हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पोएम नंबर सेकंड लास्ट पोएम होगा आपका चाइल्डहुड हॉर्नबिल बुक से, और इसके बाद सारा का सारा पोएम समाप्त हो जाएगा। तो पोएम का हम लोग समरी नहीं देखते हैं, पोएम का हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। इसका तो पोएटिक डिवाइस को भी देखेंगे और लास्ट में फिर हम लोग इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी देख लेंगे, ठीक। उसके बाद केवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का प्रैक्टिस चलेगा, तो जल्दी से खत्म करते हैं सारे को। चलिए, तो फर्स्ट क्या है, राइटर का नाम याद रखिएगा, मार्कस नैटन, ठीक है। चाइल्डहुड और सबका नॉलेज हो गया। फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, चलिए, कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को, इसमें जो पोएम दिखाए हैं अपना बचपना को खोज रहे हैं कि मेरा बचपना कहाँ चला गया, कब गायब हो गया, ठीक है ना। तो कब चला गया, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को, मेरा बचपना कब चला गया, ठीक। बचपना को ढूंढ रहे हैं कौन, पोएट। इसके बाद फिर बोलते हैं यहाँ पे सवाल का, जिसको यहाँ पर आंसर देना स्टार्ट करेंगे, कि से व्हाट वाज इट वाज द डे आई चीज टू बी इलेवन, क्या उस दिन चला गया जिस दिन मैं क्लास इलेवेंथ को क्या किया, क्रॉस किया, चीज मैंने क्या क्रॉस करना, तो उस दिन चला गया जब मैं सॉरी क्लास इलेवेंथ नहीं एज इलेवन है, जब मैं इलेवन साल का हुआ तब चला गया, या वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी, या उस दिन मेरा बचपना चला गया, क्योंकि आज बड़े हो गए तो वही सोच रहे मेरा बचपना कब चला गया, तो वही करके उस दिन चला गया जब मैंने रियलाइज किया कि हेलो हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी में पाए नहीं जाते हैं। हेलो हेवन कहाँ रहते हैं, केवल काल्पनिक है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनका अपना थाउट आ रहा है, सोच रहे हैं, एंड देयर फॉर कुड नॉट बी, यानी कि वह कहीं ज्योग्राफी में पाए नहीं जाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। तो वाज इट द डे, क्या उस दिन चला गया, ठीक है, वही बोल रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में पाया नहीं जाता, उस सही में वो नहीं होता है, तो उस दिन चला गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड में यही बोल रहे हैं, ठीक। तो इसमें इनका अपना थाउट आ रहा है कि मैं रियलाइज किया तब चला गया, यानी कि रेशनलिटी का भाव इसमें दर्शाते हैं, सोच अपना इनका थाउट आ रहा है, ठीक है। सेकंड देखिएगा, कुछ सोच पाए, अच्छे। फिर सेकंड स्टैंडर्ड में क्या बोल रहे हैं, कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को, मेरा बचपना कब चला गया, फिर सवाल है। फिर बोलते हैं वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वेयर नॉट ऑल दे सीम टू बी, क्या उस दिन चला गया जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि जो एडल्ट हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, वे आर नॉट बी नॉट ऑल दे सीम टू बी, वे वैसे नहीं होते हैं जैसे कि वे सीम टू बी, जैसे कि वे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, तो मैंने रियलाइज किया तो उस दिन चला गया। या और बोल रहा है कि द टॉक ऑफ द लव एंड प्रीच ऑफ लव, किसका बात करते हैं, लव का बात करते हैं, प्रीच ऑफ लव यानी कि लव का उपदेश देते हैं, भाषण देते हैं, ठीक है ना। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वह रियल में वैसा मतलब प्यार नहीं करते, प्यार करने का प्रवचन देते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन रियल में वैसा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड का यूज़ किया गया जिसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी यूज़ किया गया है कि रियलिटी कुछ और है, दिखावा कुछ और है, ठीक है। तो वाज दैट द डे, क्या उस दिन चला गया कि जब मैं रियलाइज किया किसे यंगस्टर जो एडल्ट होते हैं सोचते कुछ और है, कहते कुछ और है, और रियलिटी में जो एडल्ट हैं वो पोएट से क्या बोल रहे हैं, पोएट से बोल रहे हैं किसे प्यार करो सभी को, अच्छा उपदेश दो, इस टाइप से लव के बारे में, प्रीच के बारे में उपदेश दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वह ऐसा नहीं करते हैं जो एडल्ट होते हैं, इस दिन चला गया। या फिर आपका थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड स्टैंड व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को, मेरा बचपन, देखिए हमेशा रिपीट हो रहा है, व्हेन डिड, तो कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस बार बार रिपीट होता है, तो एक पोएटिक डिवाइस भी याद रखिएगा, रिफ्रेन पढ़ाएंगे तो बता देंगे, रिफ्रेन अभी बता दिए, रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस का यूज हो रहा है हर जगह, रिपीट हो रहा है, तो कोई लाइन वर्ड फ्रेज अगर रिपीट करते हैं बार बार तो रिफ्रेन पोएटिक डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो करेगा व्हेन डिड माय चाइल्डहुड को, यहाँ पर फिर कब चला गया, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइंड, क्या उस दिन चला गया जिस दिन मैंने पाया कि जो मेरा माइंड था वह रियलिटी में मेरा ही था, किसी और का नहीं है, ठीक, अपना थाउट। एंड टू बी इंडिविजुअल का यहाँ पर इंडिविजिबिलिटी आ रहा है, खुद का विचार, ठीक है। एंड फर्स्ट में रेशनल थाउट था, इसमें इंडिविजुअलिटी आ रहा है, सेकंड में क्या था, हिपोक्रेसी, ठीक। टू यूज विच इवर, पूछता है कौन स्टैंजा में किसका यूज किया गया, कौन सा वर्ड का, ठीक, वर्ड फ्रेज जो समझ आए, टू यूज विच इवर आई वाज चूज, या फिर तो उसी लाइन को कंटिन्यू कर रहा है कि टू यूज विच एवर वे आई चूज, मतलब उसको वैसे यूज कर सकते हैं जैसे कि मैं चूज कर सकता हूँ, वैसे यूज कर सकता हूँ, किसको, अपने माइंड को, माइंड मेरा है, ठीक। प्रोड्यूसिंग थाउट्स, थाउट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट वी आर नॉट दोज ऑफ द अदर पीपल, वैसे थाउट्स जो दूसरे लोगों का ना होगा, खुद का मेरा थाउट होगा, ठीक। बट माई ऑन, मेरा अपना होगा, एंड मी एलोन, सिर्फ मेरा ही मेरा थाउट होगा। तो वाज दैट डे, क्या उस दिन मेरा बचपना चला गया जब मैंने रियलाइज किया कि मेरा माइंड मेरा है, मेरा थाउट मेरा है, ठीक है। तो इस दिन चला गया, यानी कि जब इंडिविजुअलिटी का बात कर रहे थे, ठीक, उस दिन चला गया। या फिर लास्ट स्टैंजा को देख लीजिए, और लास्ट में काफ़ी चेंजिंग है, कैसे, हर जगह क्या था, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड, कब चला गया, अब वेयर डिड, मेरा बचपना कहाँ चला गया, वेयर डिड माय चाइल्डहुड को, ठीक है। तो बोले कि अब कहाँ चला गया, पहले में था कब गया, अब है कि कहाँ चला गया, ठीक है। इट वेंट टू सम
सम फॉरगेटन प्लेस, ये वहाँ चला गया जो फॉरगेटन प्लेस यानी को ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते यानी भूला हुआ प्लेस है वहाँ चला गया। दैट द हाइडन इन द इन्फांट फेस, जो कि जो इन्फांट मैंने क्या होता बच्चा, जो बच्चा के फेस में छिपा हुआ जगह है तो वहाँ पे चला गया। दैट्स ऑल आई नो, जो कि मैं जानता हूँ कि मेरा बचपना कहाँ चला गया, वहीं बचपना के जो फेस होता है ना मासूमियत का जो फेस, तो वहीं पर चला गया। अब तो मैं एडल्ट हो गया तो मेरा बचपना कहाँ था, बचपना के बच्चा के फेस में ही चला गया। तो यही इतना कुछ था पोएट्री के चारों लाइन सब कुछ देख लिए। अब हम लोग पोएट्री डिवाइस, सर पूछ रहे वेंडिट कहाँ चला गया, क्योंकि अब बड़े हो गए, बचपन में हम लोग क्या बचपन में इनोसेंट मासूम रहते हैं तो बड़ा होते हैं तो वैसा तो चेंज हो जाता है, तो वही चेंज होगा तो वही ढूंढ रहे कब चला गया और कहाँ चला गया। ठीक है, तो यही था आपका पोएम। अब बात करते हैं इसका कुछ पोएट्रिक डिवाइस का। तो फर्स्ट में पोएट्रिक डिवाइस कौन होगा, तो हम लोग सबसे पॉपुलर हम लोग जो जानते हैं किसे, एलिट्रेशन। जानते होंगे एलिट्रेशन, जब एक ही साउंड कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में रिपीट होता है, जैसे कि मिल गया यहाँ पे देखते हैं हेल एंड हेविन, एच साउंड आपका कॉन्सोनेंट दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक, और देखिएगा और कहीं मिलेगा तो आपको। इसके बाद आप सेकेंड स्टैंडर्ड में यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, यहाँ पर देखिएगा तो दैट द टी रिपीट हो रहा है, लेकिन द आपका क्या है, आपका एडजेक्टिव क्या बोलते इसको, ये आपका आर्टिकल है ना, डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल, तो आर्टिकल है तो आर्टिकल नहीं, कोई स्पेसिफिक वर्ड देखते हैं जो वर्ड रिपीट होता है जिसका सेंस निकलता है, तो दैट दे में कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रियलिटी है नहीं। फिर वही रिफरेंस याद रखिएगा, वेंडिट जो रिपीट हो रहा है इसमें कुछ है खास नहीं है। अच्छा, इसमें देखिएगा तो इसमें आपको मिलेगा क्या मिलेगा, थाउट दैट, यहाँ पर देखिए दो वर्ड है आपका अलग अलग, तो थाउट दैट हम लोग निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा दैट तो एग्जेक्टिव है तो दैट में हो सकता है, ठीक है ना, दैट दैट थाउट यहाँ पर टी टी यहाँ पर होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, पूछेगा नहीं एग्जाम कोई वर्ड से पूछता है, तो आपका हो गया यहाँ पर दैट थाउट निकल गया। चलिए अब हम लोग कुछ और, इसमें कुछ है नहीं, एक और यहाँ पर देखिए माई माइंड, ठीक है, एम एम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट लाइन लास्ट स्टैंजा में देखते हैं, एलिट्रेशन कहीं पर नहीं दिख रहा है तो इसमें आपका है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कुछ और नया, यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, हेल और हेवन में एक और पोएट्रिक डिवाइस है एंटीथेसिस, याद होगा एंटीथेसिस भी यहाँ पर यूज किया गया है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का कब एक ऑक्सीमोरोन होता है, ऑक्सीमोरोन कब, जब दो अपोजिट वर्ड को क्या करते हैं हम लोग एक साथ यूज करते हैं, लेकिन एंड और बीच में नहीं लगाते हैं तो हो जाए ऑक्सीमोरोन, लेकिन जब एंड वगैरह लगा देते हैं एंड और, तो उसमें क्या होता है एंटीथेसिस, दो अपोजिट वर्ड को एंड से हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, एंटीथेसिस इसमें हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक और भी है, अब इसमें नहीं, एक हम लोग बहुत पहले पढ़े थे इंजेमेंट, यानी कि बिना कॉमा और बिना यहाँ से यहाँ हम लोग आ गए हैं बिना कोई पंचुएशन मार्क का, तो इंजेमेंट यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, और इंजेमेंट इसमें नहीं, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए लास्ट में इंजेमेंट का यूज हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंजेमेंट है और यहाँ से फिर यहाँ तक भी इंजेमेंट है। ठीक हो गया, चलिए और रिफरेंस हो गया, बाकी एम सी क्यू में देखेंगे कुछ और बचेगा तो, बस इसमें ज़्यादा कुछ पोएट्रिक डिवाइस है नहीं। ठीक है, चलिए आप डायरेक्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पर, इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज। चलिए अब इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, फर्स्ट हम लोग तो लाइन मैंने देख लिया, कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट बींग एन एडल्ट, एडल्ट में कौन सा वैसा इंपॉर्टेंट थिंग्स होना चाहिए या क्या होता है बींग, मैंने क्या है एडल्ट में आपको बताना है। दे हैव देयर ओन थाउट, उन लोगों के पास अपना थाउट होता है, एकदम करेक्ट। ठीक है, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट थाउट है जो सबसे ज़्यादा थिंग्स। चलिए दे कैन अर्न मनी, ये भी सही है। ठीक है, दे कैन टॉक टू एनी वन दे वांट, ये भी सही है। दे प्रीच लव, तो यहाँ पर तो सारे के सारे सही दिख रहा है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या दिया है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट दे हैव देयर ओन थाउट, उनका अपना थाउट होता है, तो ये भी सही है, सबको सही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट दिखा रहा है। चलिए सेकंड क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड चाइल्ड, एडल्ट और चाइल्ड में क्या डिफरेंस होगा, तो बहुत डिफरेंस है। दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, बहुत अच्छा है, एडल्ट और चाइल्ड में जो एडल्ट होते हैं क्या बताते हैं कि रियलिटी क्या है, फैंटेसी यानी कल्पना क्या है, तो मिल गया। द डिफरेंस इज द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी है, लेकिन देर इज नो डिफरेंस या नो नो दिस, तो ऑप्शन नंबर आप एक ज़्यादा करेक्ट है, देर इज डिफरेंस इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, तो ऐसा कोई नहीं, कोई बड़ा व्यक्ति को भी छोटा बच्चा जो है ज़्यादा तेज होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका ज़्यादा करेक्ट है। चलिए व्हाट रिफरेंस लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द पोएम चाइल्डहुड, देखिए दे दिया कि चाइल्डहुड पोएम में रिफरेंस जो रिपीट होने वाला होता है कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है, तो वेन डिड माई चाइल्डहुड गो, हो गया मिल गया फर्स्ट ही में, तो और कुछ सोचना है नहीं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट एडल्ट आर, एडल्ट क्या होते हैं, हाइपोक्रेट्स, ठीक है, स्मार्ट्स लवली इंटेलिजेंस एंड चर्निंग, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। हाइपोक्रेट्स क्या था, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है एडल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चीज, चीज हमने क्या था, पास होना, ठीक है ना, क्रॉस आउट, इलेवेंथ जब पास किया था, क्रॉस किया था इलेवेंथ एज। स्टार्टिंग समथिंग, कुछ स्टार्ट करना, सम टू एंड, खत्म होना,
या फिर इन द मिडल या फिर इन द चेज समथिंग, तो क्या होगा, कम टू इंड, खत्म होना, पास होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए कर रहा है किसे, व्हाट टाइप ऑफ द राइम स्कीम इज यूज इन द पोएम, कौन सा राइम स्कीम, तो एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन कौन सा वहाँ पर यूज हुआ देखना होगा हम लोग को, ठीक है ना। आप देखते हैं यहाँ पर आंसर इसका, ए बी बी सी सी डी, यानी कि पहले कोई नया थॉट होगा उसके बाद बी बी रिपीट किया होगा फिर सी सी उसके बाद डी, ये कैसे निकलता जानते हैं ना, जो लास्ट में मिलता है हम लोग को, जैसे कि ए मिलेगा बी बी मिलेगा, पोएम में दिखेगा तो मिल जाएगा। जैसे कि देखिए थोड़ा सा पोएम दिखाते हैं, जैसे कि देखिए ए आपका अलग, ए बी बी था, ए आपका अलग हो गया और बी बी, यानी कि इलेवन और हेवन मिल रहा है ना, तो इस टाइप से निकालते हैं हम लोग, ठीक। फिर आपका सी और कुछ अलग था तो आगे, फिर आपका सी सी डी डी, उतना निकालना है नहीं, समझ गया कैसे होता है, राइम स्कीम देख लिए। चलिए व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड, लास्ट में क्या बताते हैं, जो बचपन में कहाँ खो गया तो उसके बारे में, तो इट वेंट टू द अनदर डायमेंशन, इट वेंट टू द सम फॉरगॉटन प्लेस, मिल गया, इट मूव अवे विद द टाइम, इट शिफ्ट द यंगर सिबलिंग, इट शिफ्टेड टू हिज यंगर सिबलिंग। ऑप्शन नंबर बी हमको ज़्यादा करेक्ट लग रहा है यहाँ पर, तो क्या है, इट वेंट टू द फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है, ठीक है, सिबलिंग छोटा भाई तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा एट नंबर देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, एट नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एडल्ट्स नोट वांट दे सीम टू बी, तो वह कैसा मतलब दिखना नहीं चाहते हैं जो दिखते हैं, कि दे टॉक एंड प्रीच द लव बट डू नॉट एक्ट सो, यही होगा, ठीक है, दे आर वेरी श्रीवड, दे आर क्या है मैनिपुलेटिव, दे आर डबल फेस, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा था, व्हाट आर द एडल्ट, ठीक, नोट वांट, नोट व्हाट दे सीम टू बी, जो दिखते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं एडल्ट, तो क्या है, वे प्रीच वगैरह सब कुछ दिखाते हैं ऐसे करते हैं लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ नहीं करते हैं, द टॉक एंड प्रीच द लव बट डू नॉट एक्ट सो। इसके बाद व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन के बारे में पोएट क्या किए, इट वॉज इन स्काई में है, इट वॉज इमेजनरी प्लेस है, या फिर इट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर इट वॉज विथ गुड गॉड, या गॉड के साथ, इट वॉज विथ गॉड, या गॉड के साथ था हेल एंड हेवन, तो क्या होगा, इमेजनरी प्लेस, इसी को फाइंड किए थे, ठीक है, तो करेक्ट। चलिए आफ्टर आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कितना एज के बाद वो तो रियलाइज किए कि बचपना खो दिए हैं, तो इलेवेंथ एज, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया, सबको लिखकर याद करिए, बाकी प्रैक्टिस लास्ट में सब कुछ कराया जाएगा और भी, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, चलिए।